तो जीत के कई नए रिकॉर्ड और इतिहास में किस तरीके से अपना नाम सुनील कुमार शर्मा ने दर्ज कर लिया है। साहिबाबाद में 2,14,835 वोट से वो जीते हैं, तो ये रिकॉर्ड सबसे ज्यादा वोट से जीत दर्ज करने का सुनील कुमार ने अपने नाम किया है। वहीं पंकज सिंह नोएडा में 1,81,513 वोट से जीत चुके हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है तेजपाल सिंह नागर, जो कि दादरी से 1,38,218 वोट से जीते हैं, तो ये जीत इन तीनों के लिए धमाकेदार। वहीं अमित अग्रवाल मेरठ कैंट से 1,18,072 वोट से जीत चुके हैं। ये तमाम चेहरे वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। पुरुषोत्तम खंडेलवाल आगरा नॉर्थ से 1,12,370 मतों से जीते हैं। मनोहर लाल मेहरवानी 1,10,451 वोट से जीते हैं। जीत का ये मार्जिन हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीकांत शर्मा मथुरा से जीते हैं, 1,09,803 वोटों से ज्यादा से जीत हासिल की है। राम रतन कुशवाहा ने ललितपुर से 1,07,215 वोट से जीत हासिल की है। वहीं अतुल गर्ग ने गाजियाबाद से 1,05,537 वोट से जीत हासिल की है। अंजुला सिंह माथुर हाथरस से 1,08,56 वोट से जीत गई हैं। बीजेपी की प्रत्याशी थी, इन्होंने हाथरस से जीत हासिल की है 1,00,000 से ज्यादा वोटों के साथ। तो सबसे कम मार्जिन वाले भी अब आपको प्रत्याशी दिखा देते हैं जिन्होंने बहुत कम अंतर से, बहुत कम फर्क से जीत हासिल की है। अशोक कुमार बीजेपी के कैंडिडेट धामपुर से सिर्फ 203 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है धामपुर सीट से। वहीं साकेंद्र प्रताप जो कि बीजेपी के कैंडिडेट रहे, 217 उनकी जीत का मार्जिन रहा, ये वो सबसे कम अंतर वाले कैंडिडेट। स्वामी ओमवेश समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चांदपुर से, जिन्होंने महज 234 वोटों से जीत हासिल की है। जीत का ये मार्जिन 258 रहा। ओम कुमार जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे नहटौर से सिर्फ 258 वोटों से अंतर रहा जीत और हार का। फरीद महफूज ने रामनगर में जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, 261 वोटों का सिर्फ फर्क यहां पर देखा गया। मोहम्मद ताहिर खान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इसौली से, जिन्होंने 269 वोटों से जीत हासिल की है। बलदेव सिंह बिलासपुर से बीजेपी के कैंडिडेट, 307 इनकी जीत का अंतर। और ये तमाम कैंडिडेट हम आपको दिखा रहे हैं जो कम मार्जिन से जीते हैं। कृष्ण पाल मलिक 315 वोट के मार्जिन से जीते, मुकेश चौधरी बीजेपी के कैंडिडेट, वीर विक्रम सिंह बीजेपी कैंडिडेट कटरा से 357 वोट से जीत हासिल की, प्रदीप कुमार यादव दिबियापुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट 357 वोट से जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए। कम मार्जिन वाले वो तमाम प्रत्याशी जिन्होंने इन कम वोट अंतर से जीत अपने नाम की है। ये जीत दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अहम क्यों है, अब वो तमाम फैक्टर्स आपके सामने रख देते हैं। किसानों के नाराजगी की खबर थी, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा था कि बीजेपी के लिए वहां पर खतरा है। बीजेपी से जाटों के मोहभंग की भी खबर आई थी, कहा जा रहा था कि जाट वोट बीजेपी को इस बार कम हासिल होगा। आवारा पशुओं का मामला, खासतौर पर वो इलाके जहां पर खेती अहम तौर पर देखी जाती है, ये एक अहम फैक्टर बताया जा रहा था। इसके साथ ही बेरोजगारी महंगाई से असंतोष की बात कही जा रही थी, जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ गई थी कोरोना काल में, योगी जी से ब्राह्मण वर्ग खासतौर पर नाराज बताया जा रहा था।